हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप भी एक यूट्यूबर है तो एक कॉपीराइट बारे में आपने अभी तक सुना होगा। दो चीजें होती हैं, एक होता है, पहला होता है कॉपीराइट क्लेम और दूसरा होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। अब जो नए यूट्यूबर होते हैं उनको बहुत कंफ्यूजन होता है दोनों में फर्क क्या है और इन दोनों से चैनल में इफेक्ट क्या पड़ता है। कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक से आपके चैनल में क्या इफेक्ट पड़ता है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और ये कॉपीराइट की प्रॉब्लम जो है ये हमारे सभी नए यूट्यूबरों को खासतौर से बहुत परेशान करती है। भर भर के मेरे पास कमेंट आते हैं और लोग लाइव में भी पूछते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज आते हैं। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, कॉपीराइट क्लेम क्या है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है, इन दोनों में फर्क क्या होता है, इन दोनों से आपके चैनल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम बारी बारी से इन्हीं दोनों के विषय में आपको क्लियर बता देंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉपीराइट एक्चुअल में होता क्या है। सिंपल सा फंडा है कि किसी सामने वाले के ओरिजिनल कंटेंट को जिसने बनाया हुआ है, आपने उस कंटेंट को पूरा का पूरा आपने डाउनलोड किया और अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, या फिर उसका थोड़ा सा पार्ट आपने अपलोड कर दिया, बीच में अपना कहीं एडिट कर दिया, यानी कि किसी और का कंटेंट, यानी कि किसी और का वीडियो आपने अपनी वीडियो में उसे यूज कर दिया, आपको कॉपीराइट आ जाता है। अब बात करते हैं कैसे क्लेम आता है और कैसी स्ट्राइक आती है। सबसे पहले स्ट्राइक को समझते हैं। किसी ने कोई वीडियो बनाया, जैसे मान लीजिए मैंने 10 मिनट का कोई वीडियो शूट किया है और उस वीडियो को मैंने डाल दिया और डिक्टो वीडियो को आपने उठाया और उठा के अपने चैनल में उस वीडियो को अपने चैनल में डाल दिया। जब आप उस चैनल में अपने चैनल में डाल देंगे तो एक यूट्यूब पे मैच टूल का ऑप्शन मिल जाता है आपको, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, कुछ लोगों को मैनुअल करना पड़ता है और ज्यादातर यूट्यूबरों को मिल जाता है, जैसे मेरे को फिलहाल मिल चुका है कॉपीराइट मैच टूल। तो वहां पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कि अगर किसी ने आपके एक्चुअल वीडियो को उठाकर, सेम कंटेंट को उठाकर यहां पर डाला हुआ है, तो आप वहां पर स्ट्राइक दे सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका और होता है मैनुअल स्ट्राइक देने का, तो वहां पे मैनुअल स्ट्राइक भी आपको पड़ सकती है कि मान लीजिए आपका वीडियो, जैसे मेरा वीडियो है, मेरे को मैच टूल में नहीं मेंशन हो रहा है या मैच टूल मेरे को नहीं मिला हुआ है, उस कंडीशन में भी मैं किसी के वीडियो को विजिट कर रहा हूं और वहां पे अचानक मेरे को दिख जाता है कि ये तो यार मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, इस बंदे ने इस्तेमाल किया, तो भी मैं YouTube पे यहाँ पे आपको मैन्युअली स्ट्राइक दे सकता हूँ। स्ट्राइक से चैनल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो समझाता हूं पहले आपको। आपके पास एक स्ट्राइक आएगी, अब स्ट्राइक आने पे आपके चैनल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्ट्राइक जो होती है 90 दिन तक आपके चैनल पे रहती है, 90 दिन बाद खुद ब खुद वो YouTube वाइटिंग स्टूडियो से आपकी स्ट्राइक सट जाती है, YouTube रिमूव कर देता है खुद ही 90 दिन बाद। ये कंटेंट आपका नहीं है, आपको ये बताता है कि ये जो वीडियो है इस पे कॉपीराइट दिया गया है, किसने दिया है और उसके बारे में पूरा डिटेल वहां पे लिखा होता है, उसकी मेल आईडी लिखी होती है, जिसने भी, जैसे मान लीजिए मैंने आपने मेरा वीडियो डाला हुआ है तो जब भी मैं आपको स्ट्राइक भेजूंगा तो उसमें मैं विधिवत अपना पूरा डिटेल डालूंगा, एक मेल आईडी डालूंगा और वहां पे विवरण डाल के आपको सबमिट कर दूंगा। अगर उस कंडीशन में आप डायरेक्टली जिसका भी आपने कंटेंट इस्तेमाल किया है, आप अगर उससे बात कर लेते हैं, अगर उसकी डील तय हो जाती तो भी वो वहां से कॉपीराइट स्ट्राइक को चाहे तो हटा सकता है। यूट्यूब को भाई मेल कर सकता है कि ठीक है सर, मैं अपनी स्ट्राइक वापस लेना चाह रहा हूं और इस बंदे को इस चैनल पर स्ट्राइक मिलूँ। और अगर वही गलतियां आप दोबारा करते हैं और जैसे ही आप इस पहली स्ट्राइक पड़ती है, जैसे ही आपको पहली स्ट्राइक पड़ती है तो सबसे पहला काम, तो यूट्यूब आपके उस वीडियोस को, जिस वीडियोस पे मैंने स्ट्राइक दी हुई है उस वीडियोस को यूट्यूब डिलीट कर देता है, यानी कि बिल्कुल आपका तो वाइटिंग स्टूडियो में तो दिखेगा लेकिन वो वीडियो पब्लिकली हट जाएगा। और साथ आपको एक तरीके से पहली स्ट्राइक जो होती है वह एज ए वार्निंग स्ट्राइक होती है कि अगर आप उसको, और मान लीजिए रैंडम 3 स्ट्राइक आपको पड़ जाती है तो भाई साहब आपका चैनल पूरी तरीके से कहीं पे यहाँ पर दिखेगा। तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक के विषय में हमने आपको जानकारी दी। तो
अगर इस तरीके की गलतियां हो भी जाती है तो पहली चीज आप तुरंत कोशिश करें कि जो भी वहां पे आईडी आपको जीमेल आईडी आपको मेल आएगा, मेल पे आपको पूरा उसका विवरण लिखा होगा कि किसने आपको स्ट्राइक दी है, किस कारण से दी है, आपने क्या उसमें ऐसा वो किया हुआ है। तो आप चाहे तो वहां से मेल पे अगर डील तय कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, आपस में बातचीत हो जाती है, तो भी आप अपने चैनल की स्ट्राइक को हटवा सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे से गलती हो गई, अब मैं ये दोबारा गलती नहीं करूंगा, आप अपनी चैनल की स्ट्राइक को वापस ले लें ताकि हमारे चैनल पे कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। कई बार ऐसा भी आता है कि भाई साहब कई लोगों का कहना होता है कि मैंने तो किसी का कॉपीराइट कंटेंट उठाया भी नहीं, फिर भी कॉपीराइट स्ट्राइक किसी ने मेरे को भेज दी। तो उस कंडीशन में भी आपको घबराना नहीं है, आपको यूट्यूब को एक मेल करना है। मेल आईडी मैं यहां पे मेंशन किए दे रहा हूं, copyright@youtube.com पर भी आप उसको बता सकते हैं कि फेक यहाँ पे मेरे को स्ट्राइक मिली है और ये किसी का कंटेंट नहीं है। लेकिन आपको YouTube से लड़ना पड़ेगा, YouTube को विषय में अपने वीडियोस के विषय में बिल्कुल खुल के पूरी बात बतानी पड़ेगी कि इस वीडियो को मैंने ऐसे शूट किया, यहाँ पे जाके शूट किया, कुल मिला के उसका वीडियो से रिलेटेड जितना है। तो आपके ये दिक्कत जो अगर फेक कॉपीराइट आती है तो वो भी हट जाती है। भाई साहब हम बात करते हैं कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम कैसे आता है और किस कंडीशन में आता है और इससे चैनल में आपके क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए मान लीजिए मैं कोई सिंगर हूं या मैं कहीं पे प्रोग्राम कर रहा हूं और मैं उस गाने को अपने YouTube पे डालता हूं और वहीं पर या खड़े हैं या आप कहीं और हैं, आपने वहां से मेरी वॉइस को या YouTube से या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपने मेरी वॉइस को उठाया और उठा के चुरा के चुराई के बोलेंगे उसको यार उठाया उठा के आपने उस वॉइस को यहां पे डाल दिया। तो YouTube पे एक एल्गोरिथम होता है, जो कंटेंट आईडी होती है वो ऑटोमेटिक YouTube मैच कर लेता है और पकड़ लेता है कि आपने किसी और के म्यूजिक का इस्तेमाल यानी कि साउंड का इस्तेमाल आपने किया है और उस कंडीशन में आपको चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, कॉपीराइट क्लेम का मतलब ये होता है कि आपका चैनल पे कोई भी जिस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है वो वीडियो आपका मोनेटाइज नहीं होगा, यानी कि उस वीडियो की जो अर्निंग है जिसकी भी आपने साउंड का इस्तेमाल किया है उस साउंड का जो ऑनर है उसको उसका रिवेन्यू यानी कि उसका जो पैसा बनेगा जो डॉलर बनेगा वो उसको दे दिया जाएगा आपके चैनल पे। लेकिन इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक आई है तो भाई साहब आपका चैनल खत्म भी हो सकता है, आपकी सारी मेहनत बर्बाद भी हो सकता है। यदि आप कॉपीराइट क्लेम भी आता है तो भी उससे बचने के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, फेक कॉपीराइट क्लेम भी आता है उससे भी बचने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उस वीडियो को वहां पे जाके हमारे चैनल में देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियोस का दोनों वीडियोस का लिंक भी लगा देंगे कि किस तरीके से आपको अगर फेक कॉपीराइट आ जाता है तो भी किस तरीके से हटाते हैं और अगर आपने इस्तेमाल किया है वाकई में किसी के कंटेंट के म्यूजिक का इस्तेमाल किया है तो आप कॉपीराइट क्लेम कैसे हटा सकते। कुल मिला के कॉपीराइट क्लेम आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये आप लोगों का कंफ्यूजन मेरे ख्याल से दूर हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।